छिंदवाड़ा में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को जागरूक करने के साथ ही लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन लगातार कार्रवाई होने के बाद भी लापरवाह वाहन चालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के पांचवें दिन जब यातायात पुलिस के साथ जिला पुलिस का बल सड़क पर उतरा और जांच की, तो कई वाहन चालक लापरवाह नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते हुए मिले। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशों पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सुरक्षित नियमों से वाहन चलाने की हिदायत दी जा रही है। ओवर स्पीड वाहन चालक, बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने जब शाम 6 बजे से ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान शुरू किया, तब जिले भर में बारिश की वजह से इक्का दुक्का वाहन चालक ही कार्रवाई में पकड़े गए, जिनको मशीन के द्वारा चेकअप किया गया और हिदायत देकर छोड़ दिया गया। वहीं लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। कल भोपाल के पीटीआई के निर्देशन अनुसार 24 तारीख से 30 आज तक लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग दिन उसकी अलग अलग कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज शराब के नशे में या शराब पीकर वाहन चलाने में कार्रवाई की जा रही है जी। इसमें अलग अलग कार्रवाई की गई, जैसे हम लोग अभी लगातार हाईवे रोड में ओवर स्पीड गाड़ी वाहनों की कार्रवाई की जा रही है, और जैसे अलग अलग दिवस अलग अलग कार्य, जैसे आज शराब के नशे में वाहन चलाने वालों कार्रवाई की जा रही है। सीट बेल्ट वाला मैंने पिछली बार कल हुआ था, और आगामी दिनों में भी कार्रवाई की जाएगी, जैसे रॉन्ग साइड चलना, वन वे चलना जैसे कल का रहेगा, और फिर अगले दिन फिर और ऑटो ऑटो कार्रवाई इस तरह के अलग अलग दिन में उसका कर ली जाएगी। साथ ही स्कूलों में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत श्रीमानी डीएसपी साहब लगातार स्कूल भ्रमण कर रहे हैं, और कल आगामी कल शनिवार को प्रातः 11 बजे मानसरोवर बस स्टैंड में आरटीओ के संयुक्त और अपने ट्रैफिक के सहयोग से सभी चालकों परिचालकों के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र का सभी लोगों के नेत्र का परीक्षण किया गया। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज़ के लिए गजानन बोरकर की रिपोर्ट।